हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज हम बनाने वाले हैं लस्सी के आलू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से लस्सी के आलू बनाते हैं कि पहले प्याज है ना, उसका छोंक देते हैं, उसके बाद में जो आलू होते हैं इनको कट नहीं करती, सीधे फोड़ के और फिर डालते हैं। तो आप भी देखिए, मेरे साथ बने रहिए, कैसे बनाते हैं देख लीजिए। तो जी, लस्सी को मैंने चेक कर लिया था, ये थोड़ी सी खट्टी थी तो इसके ऊपर से मैंने थोड़ा पानी मिला दिया था। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो बन चुकी हमारी सब्जी। यहाँ पे यस्सू के पापा को पता ही नहीं है कि ये वीडियो जो ये नाच के गए हैं, मैं ये शूट कर लूँगी। क्या है कि मैंने इनको उस समय मना कर दिया था और इसके चाचा को भी बोल दिया था कि आप दोनों को वीडियो में नहीं लूँगी, टेंशन मत लो आप। और अभी मैंने ले लिया, अभी देखना इनकी मजाक उड़ाऊँगी मैं बाद में। ये देखो, ये मतलब मेरे मज़े ले रहे हैं कैमरे के सामने की। देखो हम ये कर रहे हैं। और जब इनको ये पता चलेगा ना कि इनकी मैंने निक्कर में वीडियो बना ली और उनकी डांस करते हुए की, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं नाचते हैं कभी भी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर गुस्सा सा आएगा कि ये क्या कर दिया, ऑन कैमरा है तो चलता है जी, इतना तो है, इतना तो हक बनता ही है मेरा देवर के साथ मजाक करने का और इनके साथ भी मजाक करने का। नहीं, आप क्या बोलते हैं इस बात पे बताइए मुझे। और यहाँ पे जो सब्ज़ी बनाई थी उसमें से मैंने एक आलू उबाल के अलग से यस्सू के लिए रख दिया था। क्या है कि अभी इसको आलू अच्छे रहते हैं वैसे भी बच्चों के लिए, लेकिन दस्त के टाइम पे अगर हम बच्चों को आलू देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, इसलिए मैं इसको आलू खिला रही हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पर ये मुझे कह रही है कि मम्मा चम्मच से नहीं खिलाओ, हाथ से खिलाओ, तो मैं इसको हाथ से खिला रही हूँ क्योंकि बच्चा हाथ से जितना कंफर्ट फील करके खाता है ना, उतना चम्मच से नहीं खाता। और तो मैं इसको ज़्यादातर हाथ से ही खिलाती हूँ। और ये देखिए, अब ये खुद से चम्मच उठा के खाने की कोशिश करेगी जो कि इसके मुँह में लग सकती है, इसलिए मैं इसको उठा के साइड में रख दूँगी। और मतलब इसका पेट सा भर जाएगा एकदम से, आलू का हैवी होता है ना थोड़ा, तो थोड़ी देर के लिए जब तक खाना नहीं बनेगा तब तक ये आराम से इसको डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं ये खाना खिला दूंगी। और यहाँ पे देखिए, पापा जी को पता नहीं था वीडियो चल रही है, पापा जी आके बैठ जाते हैं अभी, देखना आप। ये देखिए, पापा जी आके बैठ गए और देवर जी ने कहा कि पापा भी भाभी ने ना वीडियो बना ली है, देखो हमारी भी बनाई थी अब आपकी भी बन रही है। तो मामा जी उठ के चले गए। मुझे बहुत हंसी है इस बात पर। पापा जी कह रहे हैं बेटा इसको कट कर देना, ठीक है इतनी इतनी की। मैं कह रही हूँ पापा जी सब लोग कहेंगे, प्रिंसिपल साहब देखो बनियान में बैठे हुए हैं। कोई नहीं, चलता है ये, आज पापा जी वाली भी जाने देते हैं, स्टूडेंट्स कम से कम ये भी तो देखें कि घर में कैसे रहते हैं पापा जी। क्या है कि हमारे घर पे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं है, खुले विचारों के हैं बहन, मतलब इनके पापा जी मम्मी जी के बेटी तो कोई थी नहीं पहले, और अभी मैं ही बहू बन के आई हूँ तो मुझे जैसा बेटी को फील होता है ना वैसा ही फील करवाते हैं यहाँ पे हमेशा। कोई घर में ऐसे वो थी ना भेदभाव वाली बात की बहू बहू रहती है, वो वाली बात नहीं हमारी इधर। तो देखिए ये बन चुकी है सब्जी, और सब्जी का कलर कुछ आया है ऐसा। मैंने आज लहसुन नहीं डाला इसके अंदर, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरा मन नहीं था लहसुन डालने का इसलिए मैंने इसके अंदर लहसुन नहीं डाला। आप चाहें तो डाल लेना, ठीक है, एक बार आप भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है सब्जी।
और यीशु के पापा इधर आके मुझे कह के गए हैं कि सब्ज़ी फालतू बची है क्या। मैंने कहा नहीं बची, क्योंकि ना क्या होता है कि रोज़ सब्ज़ी बनाती हूँ, रोज़ फेंकनी पड़ती है एक दो कटोरी, तो आज मैंने सिर्फ एक डेढ़ कटोरी फालतू बनाई थी जो कि पसंद आई तो बाकी लोगों ने ले ली और इन्होंने लास्ट में खाना खाया तो इनके लिए नहीं बची। अब बोल रहे हैं कि एक कटोरी फालतू बनाया करो मेरे लिए जब भी बनाओ, तो मैं कह रही हूँ ठीक है जी आप फालतू बना देंगे आगे से नहीं। और जी सबने खाना खा लिया है और अभी मैं धो रही हूँ सबके लिए बर्तन, मतलब सबके झूठे जो बर्तन थे वो अभी धो लेती हूँ, फिर काम सारा ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरे को थोड़ी रेस्ट मिलेगी। नहीं क्या है कि कई लोग होते हैं, देखें मैंने जो बर्तन झूठे छोड़ के सो जाते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्या है कि एक तो गंदगी तो आती ही है ऐसे घर में और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी ये अच्छा नहीं माना जाता कि आप खाना तो खा लेते हो फिर वही बर्तन जूठे छोड़ के सो जाते हो, इससे काफ़ी पाप लगता है, मेरा तो ये मानना है। इसलिए मैं जहाँ तक हो सके अपने जो बर्तन होते हैं जूठे सारे धो के ही सोती हूँ, क्योंकि ना सुबह जब हम उठ के देखते हैं तो सारा किचन साफ साफ लगता है तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ एक काम ख़त्म सा हो जाता है। नहीं ये भी एक पॉइंट है, तो आप कमेंट करके बताइए क्या आप भी बर्तन धो के सोते हैं ना रात को, कभी जूठे नहीं छोड़ते ना, अगर छोड़ते हैं तो प्लीज़ आज से ही बंद कर दीजिए ये काम करना, क्योंकि इससे बरकत भी कम हो जाती है काफ़ी, घर की खुशियाँ जो होती हैं घर में वो हर चीज़ को देखते हुए आते हैं, हमारा तो ये मानना है ठीक है। क्योंकि जब साफ़ सफाई रहेगी तो कीटाणु नहीं रहेंगे और कीटाणु नहीं रहेंगे तो कोई बीमार नहीं होगा, और आपको पता ही है बीमार नहीं होता तो घर में खुशियाँ ही रहती हैं, है ना। और फिलहाल तो जी काम ख़त्म हो गया है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ बर्तन धोने के बाद में, ठीक है। कहाँ जा रहा है बाबू? इधर देखो बाबू, मिट्टी खाने जा रहे हो ना, रोटी खा ली है। क्या कर रहा? देखो चाट गई दादी, मिट्टी पकड़ो, वो थैली लगाई थी मैंने निकाल दी वहां पे। हाँ वहां पे डाटा गई। देखो मैं बताती हूँ, ये यीशु के चाचा लंबे होते हुए हेलो जी। तो रात का जो खाना वाना था वो सबका हो गया और मैंने तो सबसे पहले खाया था, मम्मी के बाद में, पापा के बाद में, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। ये बाहर चले जाते हैं तो जनाब आते नहीं है टाइम से, तो मैंने अपना खाना घूमना चाहिए थोड़े बहुत तो खाना खाने के बाद घूमना चाहिए ना, ये कोई टाइम थोड़ी होता है घूमने का। नहीं अभी आए, अभी आके खाना खाया है इन्होंने। हाँ, और अभी मैं इनको वापस से घुमाने ले जा रही हूँ। गाँव नहीं है। ओह शहर, देखो जी हम तो गाँव का ही वाला चंगा है, तार शहर वाला सी चलो घूमने चलो, मैं जा रहा हूँ। क्या गुस्सा दिखा रहे हो उधर, देखो शहर का आदमी गुस्सा और दिखा रहे हैं, एक मुख को ना झेल पाओगे मेरे। तो जी हम घूम के आते हैं थोड़ी देर और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप बोलो, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ और जो कुछ ये बोलती है वही कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब मैं पसीने सुखा लेती हूँ, किचन का काम हो गया ख़त्म। नहीं घूमने जाना, फिर पसीने क्या सुखाना।
तो 5 मिनट बैठने तो दोगा? ना बिल्कुल नहीं। तो मैं घसीट के थोड़ी ले जाऊंगा, अभी थक रही हूँ। तो फिर टाल करो ना, घूमना जरूरी है, रात को खाना खाया है जी नहीं, और मेरे लिए घूमना ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है जी, बाय।